रिलेटेड टू इंटरव्यू छोटी यहां स्टडीज डिस्कस करते हैं राइट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच मोर स्टडी एंड इफ यू इंटरेस्टेड इन ड्यू डिलीजेंस नॉट फर्गेट टू चेक आर कोर्स विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन उसका लिंक चेक करिए चेक द डेमो वीडियो जिसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा नाउ अस सी कि क्या केस स्टडी है और बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है आपसे इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं ध्यान से केस स्टडी को समझिएगा और फिर अपना आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आंसर भी मैं डिस्कस करूंगा होता क्या है कि सैलरी जो होता है सैलरी कॉस्ट ऑफ ठीक है ईयर वन में हंड्रेड होता है ईयर टू में भी हंड्रेड रुपीज होता है ठीक है सैलरी कॉस्ट ईयर वन में हंड्रेड है ईयर टू में हंड्रेड है एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय में क्या बोला एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय इज रुपीज फिफ्टी

ट्वेंटी परसेंट इज ड्यू टू द सैलरी इंक्रीमेंट मतलब पिछले साल जिसको अगर सौ रुपए मिलता था तो उसको अब एक सौ बीस मिल रहा है बाकी जो एटी परसेंट इंक्रीमेंट है उसका रीजन क्या हो सकता है ओके okay? उसका रीजन क्या हो सकता है तो सबसे पहले किसी एम्प्लॉय ने बोला कि सर ट्वेंटी परसेंट तो ये हो गया ट्वेंटी परसेंट इज एन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन सैलरी ओके सेकेंड जो बेसिक रीजन होता है विचव गिव इज सर एटी परसेंट माइड बी बिकॉज ऑफ और देर कैन बी अ रीजन बिकॉज ऑफ हायरिंग ऑफ हाई कॉस्ट एम्प्लॉय राइट हाई कॉस्ट एम्प्लॉय को हमने हायर कर दिया ओके अब इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि ठीक है बट हाउ वुड यू एनालाइज इट वी हैव नॉट गिवन द डेजिग्नेशन टू यू आपने सैलरी रजिस्टर मांगा राइट सैलरी रजिस्टर में आपको बोलेगा कि हमने डेजिग्नेशन नहीं दिया तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि हाई कॉस्ट एंप्लॉय वाले या हाई सैलरी वाले एम्प्लॉज को हमने हायर किया देर कैन बी वन ऑफ द वे थ्रू विच यू कैन डू इट आउट एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिनिंग राइट

तीसरा रीजन ये हो सकता है कि कंपनी माइट हैव गिवन अ ह्यूज वेरिएबल वेरिएबल पे, पे राइट प्योरली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस तो है चौथा अच्छा ये हो सकता है कि अगर लो इनका हिट हो गया है या कुछ हुआ है या इन लोगों ने रिटेंशन स्ट्रेटेजी यूज किया है वर्ड इज सैलरी करेक्शन हुआ होगा काफी सारे एम्प्लॉइज का राइट रीजन ये हो सकता है कि देर माइट बी कॉस्ट विच इज इज नॉट द सैलरी एक्सपेंसिस मतलब रीग्रुपिंग इशूज हो सकता है राइट रीग्रुपिंग इशू हो सकता है या काफी सारा ये भी हो सकता है कि इस टाइम कंपनी ने राइट स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया एम्प्लॉइज को ट्रिप पे लेके चले गए पिछले साल ट्रिप पे नहीं लेके गए थे राइट right? तो रीग्रुपिंग इशू भी हो सकता है

देखा होगा कि व्हेन वी वर डिस्कसिंग अ ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट ऑफ अ अस वहां पे था कि सेल्स वाज कंपेयर्ड विद वॉज एम्प्लॉइज व्हिच वर यायर फॉर अ कॉलिंग राइट कस्टमर केयर के जो कॉलिंग uh, वाले जो सेल्स एजेंट्स थे उससे उनको कंपेयर किया जा रहा था तो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी डन चेक योर बाइफर्गेशन बिटवीन अ फिक्स पे एंड अ वेरिएबल पे डेफिनेटली दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड्स टू बी डन सो दैट यू विल गेट टू नो कि हाउ मच वेरिएबल पे हैज बीन गिवन इन दिस ईयर एंड हाउ मच फिक्स पे हैज बीन गिवन इन द करंट ईयर तो जो इंक्रीमेंट था वो तो फिक्स पे वजह से था राइट right, so जो ट्वेंटी परसेंट जो था वो बिकॉज ऑफ अ फिक्स पे बट रिमेनिंग कैन बी बिकॉज ऑफ वेरिएबल पे रॉन्ग ग्रुपिंग इशूज आई ऑलरेडी कवर्ड मार्केट एडजस्टमेंट्स राइट इसको कहते सैलरी करेक्शन और रिटेंशन स्ट्रेटेजी के लिए दे माइट हैव पेड इट आउट नेक्स्ट जोग्राफिक रिलोकेशन से फॉर एग्जाम्पल द कंपनी माइट हैव एक्सपांडेड इट ऑपरेशन टू सम ग्लोबल कंट्रीज लाइक दुबई और यू ए और एनी अदर प्लेसिस राइट एंड बिकॉज ऑफ विच देड टू पे द हायर सैलरी टू द एम्प्लॉज क्स्ट इज अल्टी बोनस राइट कोई लॉल्टी बोनस होगा मेन रीजन फॉर विच सैलरी कॉस्ट पर एम्प्लॉई हैीज इसके अलावा अगर आपको और कोई रीजन लगता है तो डो नॉट फगेट टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन राइट ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज में डालने वालों आप सभी के लिए तो इस चैनल के साथ बने रही है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इन सब वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारा एक एम है एक विजन है कि आपको आपकी ड्रीम कंपनी तक पहुंचाए वो हमारा सपना पूरा हो और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब चीजों को और डिटेल में सीखे तो डो नॉट फट टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और जो ऑलरेडी रजिस्टर करके देख रहे हैं थैंक यू गाइज आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर सकते हैं